Hello, good morning friends. Today our topic will be wave optics. Up till now we did talk about ray optics, now it is wave optics, right? The topic is wave optics. In this we have two branches, two topics we have to cover. Polarization has been deleted, so interference. And diffraction, right? But before going to that, we must explain Huygens wave theory. ठीक है, आप जैसे आप जानते हैं light has got a dualistic nature, means light एज ए पार्टिकल भी मूव करती है और एज ए वेव भी मूव करती है. ठीक है, तो कंक्लूजन ये था कि इफ द लाइट स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस इट एक्ट्स एज ए पार्टिकल, राइट, विच इज नोन एज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. बट दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द हायर फिनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन. देन हाइगेन प्रपोज द थ्योरी दैट लाइट प्रोपेगेट्स इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव. Means light has got both nature, particle nature as well as wave nature, wherever it is suitable, right? So that's why we say that light has got dual nature. Huygens wave theory. Beta, ये भी बिल्कुल important topic होता है, हर कीमत पे ये आता है, हर साल उठा के देख लो आप, आपको मिलेगा, right? ये theory क्या कहती है? कोई भी light source will produce light in all possible direction, जैसे चले हम लोग इस तरह से, in all possible direction of the medium, right? जैसे एक टीचर है, वो एक मेन सोर्स हो गया, ये हो गया प्राइमरी सोर्स, डरिए नहीं, प्राइमरी सोर्स, राइट. अब हमने क्या किया, बारहवीं वाले इस टॉपिक का नॉलेज बारहवीं क्लास को दे दिया, तो बारहवीं क्लास में तो सारे बच्चे बारह में हैं, राइट, वो उसका दूसरा सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे. इसी तरह से इफ आई ड्रॉ यू नॉर्मल प्लेन, एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ कर दूं मैं यहाँ पे इस तरह से, इन विच ईच एंड एवरी पार्टिकल, हमने कहा ना बारहवीं क्लास हम कहते हैं फेज में हो, एक ही फेज में हो, ठीक है, तब क्या होता है, दिस आर नोन एज सेकेंडरी सोर्स. Right, and these secondary sources will produce their own wavelet like this, right, all will produce their own wavelet. If I draw a plane again here, that will be known as tertiary, right, and in this way light propagates in the medium in the form of wave, right. ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट कैसे थे, आप ये डायग्राम जरूर बनाना है भाई. अब अक्सर बोलता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, कोई बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, वेव फ्रंट को डिफाइन करिए, वो ही हाइगेंस प्रिंसिपल है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए लाइट सोर्स always produces wave in all possible direction, right, means it acts just like a primary source, right. If a plane
is drawn in the direction of propagation in such a way that all the particles in that plane in the same phase ठीक सर, this plane is known as वेव फ्रंट। याद रखिए इसकी डेफिनेशन यहीं से निकलती है, बार बार अलग नहीं निकलना है। हमने कहा ना क्लास ट्वेल्थ वेव फ्रंट है क्योंकि वहाँ सारे बच्चे क्या हैं, एक ही क्लास में हैं, एक जैसे ही हैं, राइट। तीसरा पॉइंट क्या था, आप देखो हमने कहा जैसे वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया, ये कैसे लाइक बार बार ड्रॉ करने जरूरत नहीं, हमने पहले ही बता दिया, ये एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ किया, सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हैं, को बोलते हैं वेव फ्रंट, राइट। तो ये क्या होता है, इन ए वेव फ्रंट, तीसरा पॉइंट है इसका, ये इन ए वेव फ्रंट ईच एंड एवरी पार्टिकल produces their own wavelets known as secondary wavelets. ठीक साहब, तो हर वेवलेट अपनी, अब हर सोर्स जो है पार्टिकल अपनी अपनी वेव निकाल रहा है इस तरह से, एक डार्क एक अम्बर करके, इसको बना सकते हैं आप इस तरह से, कितना थोड़े दिखाएंगे हम ये, राइट। सो दे act as a secondary source and this process keeps on going and light propagates in all possible direction. देख सर, ये है थ्योरी, अक्सर पूछ लेता है, उस साथ में फिर डालता है क्वेश्चन। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, राइट। तीन टाइप का होता है, द पॉइंट सोर्स, लाइट सोर्स एक पॉइंट है, तो इसका जो वो होगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, इस तरह से गोला बनाना भाई, ठीक से सही नहीं बन रहा है ये, फॉर ए पॉइंट सोर्स ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा
तरह से इसमें निकलती हैं वेवलेट्स। राइट, ये है ब्रॉड सोर्स के लिए। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, राइट। लेकिन लाइट यदि दूर हो, डिस्टेंस पे हो, तब वेव फ्रंट कुछ अलग बनता है। जैसे लाइट जा रही है, सोर्स यहाँ रखा हुआ है, इसमें आता है प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे करके इसको ज़्यादातर पूछता है। राइट, ये बन जाती है आपकी वेव फ्रंट। फ्रॉड है फॉर ए ब्रॉड लाइट सोर्स एट ए लार्ज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। राइट, एक ये है इसमें, ये करना है आपको। ये हाइगेंस वेव थ्योरी में मेन सवाल जो बनता है, अक्सर देखा गया 99% कि प्रिंसिपल के बाद वो पूछता है प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व वन बाय वन। टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी। किसी ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना है। सपोज करो ये है मेरे पास मीडियम, रिफ्लेक्टिंग मीडियम, इस तरह से यहाँ एक लाइट है, इसको हमने इस पर स्ट्राइक किया। राइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उधर ही भागेगी, इस तरफ को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही तो दूसरा लाइट सोर्स लाऊं ऐसे करके, तो वो भी ऐसे आ जाएगा। पहले ये एक वाले को एक दिखाना होता है, दो वाले को दो दिखाना, ताकि दो पता चले दो आए। इस तरह से ऐसे। राइट, अब इस पे ये है आपका इंसिडेंट वेव। ये है रिफ्लेक्टर वेव। ठीक है, अब इसमें वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे? इस पे नॉर्मल, जहाँ इसने स्ट्राइक किया इस पे नॉर्मल कर देंगे हम। इसमें थोड़ा आप 12वीं के स्टूडेंट याद रखिए, नॉर्मल मीन्स नॉर्मल 90 दिखना चाहिए। ठीक है, यानी इसके आगे वो सब एक बराबर है। अब इसमें देखो तो इसमें ड्रॉ करके देखो तो लड़की इसके आगे इक्वल है, तो डिफरेंस यही हो गए। अब इसको नाम दे दें हम लोग ए बी सी डी, ये बी है, इसको ई कहें, इसको एफ बोलें। ठीक, अब जो ये बी ई है, क्या है? नॉर्मल प्लेन ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये आपका वेव फ्रंट बनेगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। कोई राम कहानी नहीं लिखनी है, किताब पढ़ के लिखेगा तो कुछ नहीं आने वाला इसमें। मैंने भी ये किसी बंगाल के स्टूडेंट से सीखा है, इसका नाम नहीं है, चलो जी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। एफ जी विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट,
राइट। अब ये वेव फ्रंट इस प्लेन के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, ये हो गया आई, और ये जो बना रहा है ये हो गया आर, राइट। अब हुआ क्या, लाइट वेव प्रोड्यूस की गई, लाइट की वेलोसिटी से आएगी, जब तक ये यहाँ पहुँचता तब तक ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला जा चुका था, राइट। आर गेटिंग मी, दैट बाय द टाइम दिस वेव रीचेस टू वेयर जी, एट द सेम टाइम ए बी गेट रिफ्लेक्टेड एंड मूव टू ओर सी, राइट। हम लिखेंगे लेट सी बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। अब इससे क्या होगा कि लाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये देखो बी से लेकर ए तक और ई से लेकर एच तक दोनों बराबर हैं, केवल डिफरेंस कितना है, यही तो है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय द टाइम एच रीचेस टू जी द ए बी गेट रिफ्लेक्टेड एंड मूव्स टूवर्ड्स सी एंड रीचेस, कर लो रीचेस एट एफ, क्योंकि इसके बाद दोनों बराबर है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्यों हम ये पर्पज कर रहे हैं दिखा रहे हैं अभी आपको, हमारे पास क्या हो जाएगा ई जी, इतना ही तो पड़ा था ये, तब तक ये क्या हो गया, कहाँ पहुँच गया, बी वाला एफ पे पहुँच गया, राइट, क्लियर। या यूं देखो, नहीं आता तो ई जी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अभी उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो बी एफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम है, टाइम भी सेम है, सी इंटू टी, सो ई जी इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, राइट। अब हम इन ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल वी ई जी एंड बी एफ जी, ठीक, क्या दिख रहा है, पहली चीज क्या है इसमें, बी जी कॉमन साइड है ना, क्यों, बी जी कॉमन साइड, ठीक है, और एंगल बी ई जी इक्वल टू एंगल बी एफ जी हो गया। और अभी हमने निकाला ई जी इज इक्वल टू बी एफ, तो दिस सेटिस्फाई द कॉन्ग्रेंसी, राइट। तो क्या हो गया, ट्राइंगल बी ई जी इज कॉन्ग्रेंट टू बी एफ जी, राइट, टू साइड एंड वन एंगल आर सेम, दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तब क्या होगा, सो इस साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा, किसको, कॉन्ग्रेंट होने से क्या होगा, ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल ई बी जी इक्वल टू एंगल एफ जी बी, ये वाला इसके, राइट। अब ये एंगल है क्या आई, और ये एंगल है क्या आर, तो यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल,
चलो अब इसके बाद इस तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। कैसे प्रूव करें आएंगे? अब इसमें क्या है, दो मीडियम होते हैं C1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, C2 वेलोसिटी लाइट ऑफ इन सेकेंड मीडियम। इस तरह से मैथमेटिक्स करने से बहुत आसान होता है, बजाय सिर्फ राम कहानी सुनने के। अभी एक लाइट ये आई हमारे पास, यहाँ से हमने इंसिडेंट करी राइट, ये इसका नॉर्मल तो रिफ्रैक्ट हो गई, हमने मान लिया इधर मुड़ गई। चलो अब दूसरी लाइट जो आई है ये है, इस पर नॉर्मल ड्रा कर लो, इसको भी रिफ्रैक्ट होना, थोड़ा सा मुड़ ये ही मुड़ जाएगी इधर को। ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली, इस तरह से राइट। अब हमको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो वेव फ्रंट क्या कहा था उसने, ये नॉर्मल प्लेन नॉर्मल होना चाहिए। मैं यहाँ से यदि इस पर ड्रॉ कर दूँ तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 90 दिखना चाहिए भाई। ये तो हो गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहाँ से इस पर ड्रॉ करूँ तो हम नाम ढंग से दे रहा था ताकि गड़बड़ ना हो, A B C मिल गया सबको नाम, D E F G और इसको कर देते हैं ठीक है, सारे इस पर ABCD लगा दो ठीक। दोस्तों बहुत आसान है, इसमें जैसे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जैसे BE को नॉर्मल बोलना हमने, इसको मैं डार्क दिखाता हूँ, गैप में दिखाता हूँ लाइक दिस राइट। तो इससे क्या होगा, जो BE है ये कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और जो ये आपका कौन सा है FH ये कहलाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद हुआ है, दूसरे मीडियम में गया है, तो ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अक्सर इनको पुस्ता बनाने के लिए क्या तकलीफ है, एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ करना बस ठीक है। तो ये दो तो वेव हो गई, अब हमको प्रूफ क्या करना साहब, पहली बात तो ये एंगल I और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R ठीक। तो साइन I बाई साइन R लाना होता है इसमें, फिर वही सवाल, जब तक ये डी आपके एफ तक पहुंचता है तब तक ए बी वाला रिफ्रैक्ट होकर के बी एस तक पहुंच जा रहा है ना। बाय द टाइम डी रीचेज टू एफ इन द सेम टाइम इंटरवल, क्या हुआ हमारे पास ए बी आ रहा था गेट रिफ्रैक्टेड एंड रीचेज टू एच ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट के बाद सब बराबर हो गई, वो तो एच तक पहुंच गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग है, सो हमारे पास बी एच जो होगा तो ये सी वन वेलोसिटी थी पहले मीडियम में इंटू टी, और जो आपका ई एफ होगा, नहीं बी एच सी टू इंटू टी सॉरी, ई एफ जो होगा वो होगा सी वन इंटू टी, क्योंकि उस टाइम तक ये वाली वे फ्रंट इसी में थी फर्स्ट मीडियम में राइट। ये आ गया, अब ले आए इसको हम लोग साइन आई बाय साइन आर, सो
एंड ट्राइंगल बी ई एफ, आई कितना हो जाएगा, साइन आई कितना हो जाएगा, इस तरह से ट्राइंगल बी एफ एच। हड़बड़ाना नहीं है, जहाँ एंगल बना हुआ है वो बेस एंगल है, यानी वो बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा। तो साइन आर कितना हो जाएगा, वहाँ एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, बी एच है ना, अपॉन बी बी एफ हो गया, ये आ गया। ये दो चीज़ निकाल दी हमने, क्यों निकाली आपको पता है, हमको स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, साइन आई बाय साइन आर निकालना है, ठीक है। सो साइन आई बाय साइन आर ई एफ बाय बी एफ, और दूसरा बी एच बाय बी एफ कर लो, ठीक। ई एफ अपॉन बी एफ इंटू इसको उल्टा कर दो, ई एफ अपॉन बी एच तो कट जाएगा, ये कौन सा कटना था, गलत काट दिए क्या, नहीं नहीं ठीक काट है, दोनों बी एफ कट गए, क्या रह गया आपके पास, ई एफ बाय बी एच। अब ई ई एफ कितना था मेरे पास, सी वन इंटू टी बाय सी टू इंटू टी, टी से टी खत्म, सी वन बाय सी टू आ गया, राइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो आ गया विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, राइट। तो हमने क्या निकाल दिया, साइन आई बाय साइन आर आ गया हमारे पास, सी वन अपॉन सी टू, राइट, इट इज़ कॉन्स्टेंट। बस दिस प्रूव्स द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है सर, ये मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत आसान है बेटा, और मुझ पर डाउट है किताब में जाके देखना, नहीं निकलेगा ये। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन वेव ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले, जो हमको वहाँ बार बार जरूरत पड़ेगी, पहली बात तो वेव क्या है, ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम इन विच ऑल पार्टिकल्स एग्जीक्यूट, याद रखिए, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रॉन्स में एलन ने किया था। तो एक वेव की सिंपल इक्वेशन क्या हो सकती है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ज़्यादा लिखना तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये तो ही बात वेव की। अब जो मेन जरूरत पड़ेगी हमको वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये कहता है इफ टू और मोर देन टू लाइट वेव्स प्रोपेगेट इन ए मीडियम देन दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर
एंड कंस्टिट्यूट ए न्यू रिजल्टेंट वेव. कॉम्प्लेक्स वेव प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, फिर क्या बोलता है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज द सम ऑफ ईच इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. लग रहा कितना लंबा चौड़ा, पता नहीं क्या प्रिंसिपल है, कुछ नहीं कह रहा हो, डराने के लिए डरा लिख रहा है, लंबा चौड़ा है कुछ नहीं. हम ये कह रहे हैं कि लेट वाई वन वाई टू वाई एन एन नंबर ऑफ वेव्स एक ही डायरेक्शन में हमने एक ही मीडियम में हमने प्रोपगेट कर दी. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव बनेगी वाई इज इक्वल टू सा वाई वन प्लस वाई टू प्लस करते चले जाओ टू वाई एन. यानी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वाई इज इक्वल टू समिशन आई इक्वल टू वन टू एन वाई आई. सिंपल. आप लंबा चौड़ा नहीं लिख पा रहे हैं, आप इतना भी लिख दीजिए तब भी चल जाएगा. यदि आपको याद हो इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव. क्या था, वाई इज इक्वल टू ए साइन टू पाई बाय टी इंटू कॉस टू पाई एक्स बाय लैम्डा. ग्यारहवीं में किया हुआ है, ये पूरा एम्पलीट्यूड दिखा था, ए कॉस टू पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू साइन टू पाई टी अपॉन कैपिटल टी. राइट, इसमें क्या हो गया, सो फेज ऑफ द वेव साइन ओमेगा टी होता है ना, ये वाला फेज होता है पूरा. इसको मैं दिखाऊं फाई से, ये इक्वल टू टू पाई टी बाय टी. ठीक है दोस्तों, ये था हाइगेंस वेव थ्योरी. उससे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना ऑलमोस्ट परमानेंट क्वेश्चन होता है, जिसको आराम से एलोबरेट होकर के ठंडे दिमाग से बनाइए, करिए. थोड़ा सा किताब भी ज़रूर खोल लो भाई, किताब को खाली रैक में सजाने के लिए मत रखिए. ठीक है, और हम लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपका भरोसा मेंटेन रखूँगा. मेरी जहाँ तक मेरी क्लास के बच्चे हैं, घबराए नहीं, मैं तुरंत तो आपके सामने होऊँगा. आज भी आना था, लेकिन कुछ कतिपय कारण जो होते हैं, आफ्टर जो आप रिकवर करते हैं तो बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं करती इतनी जल्दी, तो इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू.